हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और हाँ, मैं अभी ऐसी किचन में आई। मैंने कहा चलो एक जल्दी से झटपट कीमा बनाने लगी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और बहुत जल्दी से बन जाता है क्योंकि अभी काम से वापस आओ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और फिर जल्दी जल्दी से। तो आज मैंने सोचा कि कीमा अभी बना लेती हूँ फटाफट वाला, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक प्याज लिया और मीडियम साइज़ प्याज, उसको अभी गोल्डन ब्राउन करना है मुझे। और एक टमाटर, एक आलू, ये वही लहसुन अदरक का जो मैंने क्रश किया था लास्ट वीक, और ये कीमा, ठीक है। कीमा अभी मैंने धोना है, और वैसे तो धुला हुआ होता है मेरा कीमा ज़्यादातर, धो के मैं इसमें रखता हूँ। और फिर अभी हमारी ये प्याज ब्राउन हो गई है, तो अब हम इसके अंदर कीमा डालते हैं। कीमा डालने से पहले सॉरी, थोड़ा सा हम इसमें अदरक और ये इसमें लहसुन अदरक डाल के और भून लिया, ठीक है। बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है ये, और इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हो। और इसके अलावा जो बाज़ार में रेडीमेड पूरी रोटी पराठा मिलता है या पूरी पराठा मिलता है, तो आप उसको भी फ्रोज़न जो होते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। हाँ, अभी मैं इसमें डालती हूँ कीमा। ओके जी, अभी मैंने इसमें कीमा डाल दिया है। कीमा आई मीन इस बार जो मेरे पास आया कीमा, वो मेरे ख्याल से मेरे गोश्त वाले भैया ने ना डबल डबल जो है उसको कीमे को मशीन में निकाला, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीक कर दिया कीमा। तो जो हाथ का कीमा बना होता है वो भी बहुत टेस्टी होता है, या फिर अगर सिंगल मशीन से निकला हुआ कीमा भी ज़्यादा अच्छा होता है। इस बार मुझे लगता है मेरे कीमे वाले भैया गोश्त वाले भैया ने ना डबल निकाल दिया कीमे को, तो काफ़ी बारीक हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, मतलब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से इसको मतलब भून लेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ प्याज ब्राउन करके इसके अंदर लहसुन अदरक डाला, और फिर मैंने उसमें कीमा डाल दिया। कोई मसाले अभी तक नहीं डाले हैं, एज़ यूजल मेरे मसाले बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको ये इसी के पानी में जो है कीमा, अपने ही पानी में, क्योंकि धो के डाला है कीमा, तो अपने ही पानी में ये तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक छोड़ते हैं। ये इसी में जो है गल भी जाएगा जब तक हम अपना ये टमाटर काट लेते हैं। ओके जी, अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और देखें हमारा कीमा जो है कितना अच्छे से भून गया है। दाना दाना देखो अलग हो गया है, ठीक है। और इसमें मैंने ये इधर अगर आप साइड में देखो, मैंने आधा चम्मच हल्दी लिया है, एक चम्मच लाल मिर्ची, और तकरीबन एक चम्मच ही नमक, धनिया पाउडर भी अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालो। मेरे पास आज फिर से नहीं है, मैं लेने ही नहीं गई, मार्केट ही नहीं जाना हुआ, इतना बिजी चल रहा था तो नहीं इतने जा सकी। देखो बिल्कुल सूखा है, मैंने इसमें पानी का छीटा दे दे के ना, मतलब सिर्फ कीमे को भूना था बस, ताकि अच्छे से कीमा ना भून जाए, क्योंकि आज मैं ग्रेवी वगैरह नहीं रखूँगी, सूखा सूखा ही कीमा बनाने वाली हूँ इसलिए। और ये बहुत अच्छे से हमारा मसाला भी इसके अंदर भून गया है। मैं ज़्यादा जो है मसाला, इतना ज़्यादा मेरा मसाला कच्चा भी नहीं रहता और अच्छे से भून जाता है। तो आई डोंट नो कि अगर किसी का मसाला अच्छे से नहीं भूनता है तो वो कोशिश करे कि अपने हिसाब से उसको भून ले, ठीक है। और ये देखो अभी, क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला है इसमें कुछ भी, और ऑयल भी मैंने बहुत लिमिटेड ही डाला है, इसलिए मुझे चम्मच चलाना होगा ताकि ये थोड़ा नीचे लग ना जाए। अभी थोड़ा थोड़ा इसका तेल रिमूव हो गया है। अब इसमें मैं ये जो टमाटर और आलू थे ये डाल रही हूँ। एक आलू है मैंने थोड़ा मतलब स्मॉल पीसेस में ऐसे काट लिया है, ताकि जल्दी टमाटर के ही पानी में वो
गल जाएगा। ठीक है, इस टाइम पे मैं इसके अंदर जो है ना सिर्फ यही वाला जो मेरा है ये 2 चम्मच पानी के डालूँगी। यहाँ आ जाती है ये मेरी प्लेट, इसमें तकरीबन इतने 2 चम्मच तो हो ही जाएंगे ये, ताकि आलू गल जाएँ। सिर्फ आलूओं को गलाने के लिए हम तकरीबन आप ऐसा समझ लो कि आधा गिलास जितना मैंने पानी डाला, ताकि ये लगे नहीं और आलू हमारे अच्छे से गल जाए। ठीक है, जब आलू गल जाएंगे ना तो ये पानी सारा सूख जाएगा और आलू भी गल जाएंगे और कीमा जो है हमारा फिर से पहली वाली जो इसकी कंडीशन थी ना इसकी वैसा हो जाएगा। अब इसको हम ढक देते हैं तकरीबन स्लो फायर पे 10 मिनट तक, इसको ढक के पकाते हैं स्लो फायर। ओके, 10 मिनट्स। ओके, जो रोटी पराठा था वो मैंने इस तरीके से मतलब सेक लिया, पहले एक तरफ से जब हो जाए थोड़ा ब्राउन तो दूसरी तरफ आप इस तरीके से ना दबा दबा के सेक लो तो वो बहुत अच्छे से जो है सिक जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो गया ना इस तरीके से। ठीक है, ये आप उसको टिश्यू पे निकाल लें, ज़्यादा ऑयल अगर हुआ तो मैंने तो डाला नहीं तो उसी में निकल आएगा। ठीक है, इसी पैन में अब दूसरा मैं फ्राई कर देती हूँ। ओके जी, अभी जो है ना हम देख लेते हैं हमारे कीमे का हाल। चम्मच कीमा ऑलमोस्ट हमारा देखो हो चुका है, आलू भी अच्छे से गल गए हैं, टमाटर भी अच्छे से हो गए हैं और तेल भी अपना एक तरफ किनारों पे साइडों पे आ गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आज एक क्या बोलते हैं उसको सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं ये डाल रही हूँ, ये है मेथी, कसूरी मेथी। ये आप उतारने से पहले जो है ना तकरीबन 1 चाय का चम्मच अच्छे से मसल के इसके ऊपर ऐसे डाल दो। ठीक है, और इसके साथ ही ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रिंग ऑनियन, हरी प्याज। ठीक है, हरी प्याज और हरा धनिया जो है मैं थोड़ी देर में डालूंगी, क्योंकि आज मैंने धनिया पाउडर नहीं डाला था इसलिए मैंने सोचा कि चलो कसूरी मेथी थोड़ा डालती हूँ तो उससे भी एक अलग टेस्ट आ जाता है। इसको मैं डाल के तकरीबन 2 मिनट सिर्फ ढक दूंगी, वो भी बिल्कुल दम पे। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, ताकि इनका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और इधर मेरे ये जो पराठे मैंने सेक लिए हैं, ठीक है, तो अभी मैं इनको सर्व करती हूँ। ओके जी, ये हमारा डिनर रेडी हो गया, ये आ गया हमारा भुना हुआ कीमा आलू, ये रोटी पराठा और ये साथ में सलाद। ठीक है, हो गया जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स मैं लास्ट स्लाइड पे शेयर करती हूँ, आप देख लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।